टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 10,000 रुपीज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैजेट्स कॉन। दोस्तों, आज वीडियो में आपको 10,000 रुपए के अंदर सबसे बेहतरीन फ्रिज बताने वाला हूँ। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आप 10,000 रुपए के अंदर कोई अच्छा सा फ्रिज ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हमने आपको काफी रिसर्च करके 5 बेहतरीन फ्रिज बताए हैं, तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पर हाइसेंस रेफ्रिजरेटर, जो कि 10,000 रुपए के अंदर काफी बेहतरीन फ्रिज है। ये आपको काफी अच्छे फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। ये आपको 45 लीटर कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ देखने को मिलता है। बिजली आपके ज्यादा नहीं खींचेगा। अगर आपका स्मॉल रूम है, वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में 1 से 2 मेंबर है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको 2 लीटर की बेवरेज स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जहाँ पर अपनी पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हो। इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छे डिजाइन का है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत ही लो नॉइस लेवल देखने को मिलती है, ज्यादा आवाज नहीं करता। इसके अलावा इसके इंटीरियर में आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। ये आपको बहुत ही अच्छे फीचर के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल मोड देखने को मिल जाते हैं। बात करें प्राइस की, ये आपको 8,490 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है फ्रिज। अगर आपको ये पसंद है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक से परचेज कर सकते हो। नंबर 4 मीडिया रेफ्रिजरेटर, ये भी एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है। मीडिया एक चाइनीज कंपनी है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जाना जाता है। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाता है, उनमें से एक है ये रेफ्रिजरेटर, जो कि आपको 10,000 रुपए के अंदर काफी अच्छे फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ देखने को मिलता है। इसके इंटीरियर में आपको पावरफुल एलईडी लाइट देखने को मिलती है। इसकी मल्टी एयर फ्लो आपके वेजिटेबल फ्रूट्स को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है। इसके अलावा इसमें आपको डोर लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो किसी और रेफ्रिजरेटर में देखने को नहीं मिलता है। आपको 45 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। ये फ्रिज आपको 45 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको आइस मेकर ट्रे देखने को मिल जाती है। इसके साथ इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बिल्कुल यूनिफॉर्म कूलिंग के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ्रिज के लेग की हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको जैसा भी सही लगे। इसमें आपको रिमूवेबल शेल्फ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अच्छी स्टोरेज के साथ बेवरेज देखने को मिल जाते हैं। आप पानी की बोतल वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा इस फ्रिज में आपको रिवर्सिबल डोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करें प्राइस की, ये फ्रिज आपको 8,490 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है। नंबर 3 LG रेफ्रिजरेटर। LG इंडिया में कितना पॉपुलर है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप वो अच्छी तरह जानते हो। LG एक साउथ कोरियन कंपनी है, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। LG का ये फ्रिज आपको 43 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से इसमें आपको 1 स्टार की एनर्जी रेटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी देखने को मिलती है, 2 ईयर की प्रोडक्ट की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस फ्रिज में आपको 2 लीटर की बोतल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल मोड भी देखने को मिल जाते हैं। इसके इंटीरियर में आपको एक LED लाइट देखने को मिल जाती है, इसलिए इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये फ्रिज आपको प्रीमियम डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है, साथ ही स्टाइलिश लुक के साथ देखने को मिल जाता है। बात करें प्राइस की, LG का ये फ्रिज आपको 9,990 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है। नंबर 2 गोदरेज रेफ्रिजरेटर। गोदरेज भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। ये आपको 2 कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है, साथ ही अच्छे फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। ये आपको 45 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 2-स्टार एनर्जी रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वाटर बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल रखने के लिए इसमें आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो मौसम के अनुसार। ये फ्रिज आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है, 5 ईयर की कंप्रेसिव की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर के जो लेग्स हैं, वो आप अपने अनुसार हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। बात करें प्राइस की, गोदरेज का रेफ्रिजरेटर आपको 9,500 रुपए के प्राइस में देखने को मिलता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप यही परचेज करें। नंबर 1 रॉकवेल रेफ्रिजरेटर। अगर आप कोई कम प्राइस में अच्छे फीचर के साथ कोई रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे होते हैं, रेफ्रिजरेटर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है। भले इस ब्रांड का कोई नाम ना हो, पर ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको आइस तैयार करने के लिए फ्रीजर देखने को मिलता है। इसके अलावा बोतल रखने के लिए अच्छी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ड्यूल शेल्फ देखने को मिल जाते हैं। ये आपको बिल्कुल हाई एनर्जी सेविंग के साथ देखने को मिल जाता है, बिल्कुल पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलता है। ये आपको सिंगल डोर डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको मैनुअल डिफ्रॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है, बिल्कुल इजी मेंटेनेंस और क्लीनिंग के साथ आता है। इसको क्लीन करना बहुत ही सिंपल है, आप इजी तरीके से इसे क्लीन कर सकते हो। अगर आप कोई स्मॉल फैमिली, स्मॉल एरिया के लिए कोई रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हो 10,000 रुपए के अंदर, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको 48 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। ये फ्रिज आपको 8,800 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों 10,000 रुपए के अंदर आने वाले 5 बेहतरीन रेफ्रिजरेटर। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया कमेंट में बताना। इसके अलावा मैंने आपको जितने भी रेफ्रिजरेटर बताए, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।